अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होम टीवी के साथ मैं हूँ आपके अपनी होस्ट अंबर ज़ुबैर और आप लोग देख रहे हैं होम टीवी। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ मुर्शिद हॉस्पिटल में और मुर्शिद हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ कंप्यूटेड टोमोग्राफी के डिपार्टमेंट में। कंप्यूटेड टोमोग्राफी अमूमन हम लोग इसे कहते हैं सिटी स्कैन। सिटी स्कैन क्यों ज़रूरी होता है, क्या वजूहात पर सिटी स्कैन किया जाता है और इसकी रिपोर्ट्स में कितना टाइम लगता है और डॉक्टर्स को ये रिक्वायर्ड क्यों होता है, इन सारे सवाल के जवाब आज हमारे साथ अनस मौजूद हैं जो कि हेड है यहाँ के सिटी स्कैन डिपार्टमेंट के, और इनसे मज़ीद पूछेंगे कि ये किस बिना पर जो है डॉक्टर रेफ़र करते हैं कि सिटी स्कैन चाहिए और करवा कर आएँ और किस तरह से ये होता है। अनस, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि आप हमें सिटी स्कैन के बारे में बताएं, बेसिकली सिटी स्कैन होता क्या है। सिटी स्कैन कंप्यूटर टोमोग्राफी होती है, उनके लिए हम जो है प्लेन केसेस वगैरह जो भी डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं, जैसे ब्रेन प्लेन, एब्डोमिन कंट्रास्ट, चेस्ट कंट्रास्ट, ये सारी फैसिलिटीज हमारे पास मुहैया होती हैं। तो ये सारे कुछ जो डॉक्टर हमें लिख के देता है उसी के बिहाफ पे हम उनका प्रोसीजर करते हैं पूरा। तो वो ये पूरा ये जो हमारी एक ये मशीन है, पूरे इसमें पेशेंट को हम लिटाते हैं और फिर इसको पूरा ये कोई एक ब्रेन प्लेन है, एब्डोमिन प्लेन है, चेस्ट कंट्रास्ट है, देखिए सारी एनजीओस वगैरह सारा कुछ इसमें प्रोसीजर सारा कुछ प्रोसीजर होते हैं। जी, इसको मतलब किस तरह से अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है, कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है या कुछ हुआ है, उसी बिना पर करते हैं या कोई नॉर्मली भी अगर आपको कोई रिपोर्ट चाहिए हो तो करते हैं? जी, आरटीए पेशेंट हर जैसे कोई भी हो, आरटीए पेशेंट आता है, जैसे रोड एक्सीडेंट वगैरह केसेस वगैरह इमरजेंसी पेशेंट वगैरह आ गए तो उसके हम जो है अर्जेंटली उसको प्रोवाइड करते हैं, रिपोर्ट वगैरह भी उसको हाथ के हाथ दे देते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी, एक्सरे और सिटी स्कैन में फ़र्क थोड़ा सा आप हमें बताएं। जी, एक्सरे में ये होता है, एक्सरे में जैसे बोन्स वगैरह का जो है एक्सरे में वो दिखाई देते हैं, जो इसमें सिटी स्कैन में अंदर की चीज़ें सारी को कंप्यूटर टोमोग्राफी पूरा जो है, जैसे कोई टिश्यूज वगैरह सारा कुछ वो दिखाई दे जाते हैं। कोई ब्लडिंग वगैरह जो इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसको भी डिफाइन करते जाए कि कौन सी चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्योंकि आप बेहतर हमें बता सकते हैं। जी, ये पूरा जो है हमारी मशीन है जेंट्री वगैरह, ये पूरा कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसमें जो है पेशेंट लेटता है और बाकी हम उसको जो है ब्रेन प्लेन, एब्डोमिन कंट्रास्ट, ये सारा कुछ इसमें प्रोसेस कर देते हैं। ये सारी मशीन अंदर जाती है, पूरे ब्रेन प्लेन वगैरह। ये जो लाइट्स आती है इनसे क्या होता है? लाइट्स वगैरह का कोई इशू नहीं है, लाइट्स का सेंटर का काम करती है जो ना, सेंटर इशूज़ वगैरह। तो इसमें लाइट बंद करके फिर हमने वहाँ से, ये जेंट्री रूम है, यहाँ पे पेशेंट लेटता है, फिर वहाँ से हम वो कंप्यूटर उसमें वहाँ से हम कंसोल करते हैं। रिपोर्ट्स में कितना टाइम? रिपोर्ट्स में एक दिन लगते हैं। एक दिन लगता है? जी, ऐसा, एक दिन ऐसा क्यों? जी, रिपोर्ट्स में पूरा उसमें यह है कि उसमें टाइप वगैरह होने में सारा कुछ जो है, अगर इमरजेंसी पेशेंट होता है तो उसको हम फौरन दे देते हैं। अच्छा, अनस, एक चीज़ मैंने नोट की कि आपने जो है ना हाफ जो है अंदर किया। जी, अगर ये पूरी बॉडी का ओवरऑल हो तो वो कैसे होता है? जी, ये जो मैंने ब्रेन की पोजीशन लगाई है, ब्रेन का इसमें पूरा जो है अंदर, ये कि जैसे चेस्ट का है, चेस्ट का हम लगा देते हैं, चेस्ट का फिर उसका नीचे करके एब्डोमिन है, उसका जहाँ जहाँ सेंटर लिया जाता है उस वक्त सेंटर कर दिया जाएगा, एब्डोमिन है, फिर पेल्विस है, फिर सारा कुछ इसमें पूरा पूरी बॉडी का हो जाता है, लेग्स का पूरा नीचे हो जाते हैं। हाँ, नीचे इसमें पूरा आ जाता है, वो नीचे तक आ जाती है, पूरा यहाँ से पोजीशन लगती है वो पूरा। मैं चाहूँगी थोड़ा सा मुर्शिद हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ है ना, जैसे कि पूरी मशीनरी भी हम देखना चाहेंगे कि एड है या नहीं। ठीक है, बिल्कुल, ये अंदर तक पूरी जो है पूरा चले जाती है, इनका पूरा सिटी स्कैन हो गया। जी, ठीक है। इसमें फास्टिंग वगैरह की नीड होती है या बस आप? फास्टिंग में जो कंट्रास्ट के पेशेंट होते हैं उसमें फास्टिंग की नीड होती है, 8 hours की फास्टिंग होती है। अच्छा। जो है कंट्रास्ट वगैरह जैसे होता है तो उनके लिए 8 hours फास्टिंग होती है, फिर हम उसके लिए एक यूरिक एटीन का लैब टेस्ट होता है, वो नॉर्मल होगा तो फिर हम कंट्रास्ट के पेशेंट को करेंगे। अच्छा, अनस, एक चीज़ मुझे बताया, MRI भी कुछ इसी टाइप का होता है या सिटी स्कैन और MRI में फ़र्क है? MRI में फ़र्क है ना, सिटी स्कैन में फ़र्क है। सिटी स्कैन में रेडिएशन होती है, MRI में मैग्नेटिक है, MRI में रेडिएशन नहीं होती, वो इससे ऊपर का है, और MRI में छोटे से छोटे टिश्यूज वगैरह जो भी है वो वाज़े तौर पे नज़र आ जाते हैं। सही है। मैं चाहूँगी थोड़ा सा मशीनरी के बारे में भी आप हमें बताते चलें कि कौन से जदीद टेक्नोलॉजी आप लोग यूज़ कर रहे हैं। ये 32 slice मशीन है हमारी जो है, सारे NGOs वगैरह, पूरे पेशेंट्स वगैरह सब इसमें, सारे NGOs वगैरह सब कुछ हम कर देते हैं। हाँ, अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा अनस, सिटी स्कैन जैसे कि मैंने सुना है महंगा होता है, तो मुर्शिद हॉस्पिटल किस तरह से फैसिलिटेट कर रहा होता है?
मुर्शिद हॉस्पिटल यह है कि महंगा तो है, मुर्शिद हॉस्पिटल डिस्काउंट फुल जितना डिस्काउंट पेशेंट को चाहिए होता है वो सब डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है मुर्शिद हॉस्पिटल। जो फ्री में अगर किसी के पास पैसे नहीं है वो जो है फ्री में भी कर रहा है सारा कुछ, बहुत सहूलियात है यहाँ पे जो है। अच्छा, और अगर इन केस कोई इमरजेंसी केस आ रहा है, रिपोर्ट्स उन्हें जल्दी से रिक्वायर्ड है, तो कितना मैक्सिमम आप लोग टाइम ले लेते हैं? हम एक दिन, एक उसमें जो है आधा दिन जो है उसमें पेशेंट का होता है, फिर 1 से 2 घंटे में जो है हम करके कोशिश करके मैडम से करवा के हम जो है रिपोर्ट उसको प्रोवाइड कर देते हैं अगर अर्जेंटली चाहिए होती हैं। ठीक है, वैसे डॉक्टर क्यों जो है रेफर करते हैं, क्यों उनको सिटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है? सिटी स्कैन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि वो अंदर से वो टिश्यूज़ वगैरह अंदर पेशेंट्स वगैरह का जो है देखते हैं कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, अंदर से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो गई है। खुदा न खास्ता जैसे बाहर से कुछ नज़र नहीं आ रहा होता तो अंदर से नज़र आता है, जैसे एक्सरे में बाहर से बोन्स वगैरह का नज़र आता है, तो सिटी स्कैन में यह है कि अंदर टिश्यूज़ वगैरह कोई अंदर से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो गई है, खुदा न खास्ता कोई एज अ कंट्रास्ट है कोई मास तो नहीं हो गया है, तो ये सारा जो कहलाती है उसको ये सिटी स्कैन में जाहिर वो सिटी स्कैन में जाहिर हो जाए। अनस, मैं जाऊंगी रिपोर्ट्स का क्या प्रोसीजर होता है, रिपोर्ट्स आप लोग कैसे बनाते हैं, क्या होता है? जी, रिपोर्ट्स वगैरह तो हम ये के इसमें वहाँ से अंदर ये कंसोल रूम है, वहाँ अंदर से हम ये के कंप्यूटर से ये के उसमें चले आप हम करवा देते हैं पेशेंट्स को, वहाँ हमने लेटाया यहाँ पे हम स्कैन वगैरह कर देते हैं। अच्छा, पेशेंट अभी लेटा हुआ ये उठ जाएगा? जी, और पेशेंट जी यहाँ पे हमने पेशेंट को लेटाया, फिर यहाँ पे हमने पूरी एंट्री वगैरह की इनकी ना, तो सारा कुछ इसमें स्कैन सारा कुछ हम यहाँ से प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ से हम आधे से 15 से आधे घंटे में उनको स्कैन प्रोवाइड कर देते हैं। ये लेटा हुआ है, राइट? जी 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 जी, ये पूरा जो इसका स्कैन यहाँ से हम प्रोवाइड कर देंगे, ये है सारा। फिर यहाँ पे जो स्कैन जो होता है यहाँ से हम स्कैन वगैरह निकाल देते हैं, फिर उसको पूरा हम यहाँ से करवा के यहाँ से हम स्कैन करके उनको 15 से आधे घंटे में हम स्कैन दे देते हैं। ये तो आपने रिपोर्ट बता दिया, अब रिपोर्टिंग किस तरह से होती है? जी, रिपोर्टिंग के लिए हमारी मैडम डॉक्टर आलिया हैं, वो करती हैं, वो जो है इसमें ये जो यहाँ से जो है ट्रांसफ़र होते हैं वहाँ पे विटिया पे, तो विटिया पे वो देख के पूरा सारा कुछ रिपोर्टिंग। डॉक्टर आलिया, रिपोर्टिंग के हवाले से हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, सिटी स्कैन की जो रिपोर्ट होती है और उसकी रिपोर्टिंग आप फिर किस तरह से करती है? हमारे पास यहाँ डिफरेंट स्कैन होते हैं ना, तो हर जैसे ब्रेन है, सिटी स्कैन, चेस्ट है, एब्डोमेन है, हर तो हम उनके अलग अलग पैटर्न है हर एक की रिपोर्टिंग का, हमारे पास प्लेन भी होते हैं और कंट्रास्ट भी होते हैं, तो वो फिर हम उस लिहाज से ही रिपोर्ट बनाते हैं, प्लेन की, कंट्रास्ट की, जो पैटर्न जो हमारे पास स्कैन हुआ होगा हम उसी की रिपोर्ट उस लिहाज से। एक रिपोर्ट में तकरीबन कितना टाइम लग जाता है? ये तो डिपेंड करता है केस, कभी कभी हमारे पास नॉर्मल हो तो वो तो जल्दी हो जाएगी, और जिसमें फाइंडिंग्स हो तो ज़्यादा बात उसमें टाइम लगेगा, आपको हर एक चीज़ देखनी होगी उस लिहाज से। इन केस अगर कोई इमरजेंसी केस आता है तो आप लोग क्या करते हैं? इमरजेंसी केस आता है तो हम फौरन यहाँ पे हमें डॉक्टर्स इन्फॉर्म कर देते हैं इमरजेंसी, तो हम उन्हें फौरन रिव्यू बता देते हैं कि जो भी है इमरजेंसी, कोई फ्रैक्चर आ रहा है, जैसे हमारे पास यहाँ पे ट्रॉमा के केसेस बहुत आते हैं। अच्छा। कि फ्रैक्चर है कि नहीं, उनको शिफ्ट करना है क्या, अब उनको आगे प्रोसीड करना है, तो हम उनको फौरन जो है वो कम्युनिकेट कर लेते हैं। नाज़रीन, हमने आपको आज विजिट करवाया है सिटी स्कैन का, जो कि मुर्शिद हॉस्पिटल में इनका डिपार्टमेंट है, और किस तरह से लोग अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमने जो टेक्नीशियन थे उनसे भी बात करवाई, जो रिपोर्टिंग करती हैं उनसे भी बात करवाई है, और जिस तरीके की टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स ये लोग यूज़ कर रहे होते हैं, मैं भी कहूँगी कि मतलब आज के दौर में इतना सस्ता इलाज और कभी कभी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो है मुर्शिद हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, तो बहुत ही नामुमकिन सी बात है, लेकिन मुर्शिद हॉस्पिटल में ये बहुत ही मुमकिन बात है। तो मैं भी चाहूँगी कि अगर आप लोग सेहतयाब होना चाहते हैं और वाकई अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी समझते हैं और अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, तो ज़रूर मुर्शिद हॉस्पिटल का रुख कीजिए, और अपनी होस्ट अमर ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।